और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर के पंडरी में स्थित आरएसएस कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संघ के पदाधिकारियों से मुलाकात की है। वहीं पत्रकारों से डिप्टी सीएम साहब ने चर्चा की। लगातार बढ़ रही नक्सली घटनाओं को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांकेर में बीएसएफ के जवान अखिलेश राय शहीद हुए हैं। केंद्रीय बल लगातार छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर बहादुरी से काम कर रही है। सरकार नक्सली उन्मूलन अभियान के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में शांति हो इसके लिए हमारी सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। हमारे कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग की गई है, लगातार घटनाएं हुई है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, सजगता से इस पर काम करेंगे। देखिए, लगातार घटनाएं हुई है और आप लोगों ने देखा है कि कैसे टारगेट किलिंग होते रही है। हमारे प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है। तो नक्सली घटनाएं तो लगातार प्रदेश में हुई है, पर हमारी सरकार इस विषय पर पूरी तरह से गंभीर है और हम पूरी तरह से सजगता से इस विषय पर काम करेंगे। इससे विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, लगता है उससे पहले कैबिनेट का गठन हो जाएगा। देखिए, बहुत जल्दी हम विधानसभा का सत्र बुलाने वाले हैं और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और रही बात मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो समय आने पर आपको उसकी जानकारी मिलेगी।